हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में, जिसको हम लोग एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। क्लास इलेवंथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉस्ट चैप्टर की बात चल रही है दोस्तों, और टॉपिक का नाम है एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसको एवरेज कॉस्ट भी कहा जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिए कि क्या होता है कंसेप्ट और कैसे इस कंसेप्ट को आपको समझाया जाता है, इसको देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट, नाम लिखते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग ATC के नाम से जानते हैं और इसको हम AC भी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है, इसको हम क्यों कहते हैं वो भी बता देता हूं। अगर मैं कहूं कि किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 5 रुपए है और मैं कुछ मेंशन ना करूं कि वो फिक्स्ड है वेरिएबल है, तो इसका मतलब वो टोटल ही है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कॉस्ट का मतलब ही टोटल कॉस्ट होता है। तो एवरेज कॉस्ट कह लीजिए या एवरेज टोटल कॉस्ट कह लीजिए, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। क्या होती है एवरेज टोटल कॉस्ट वो जानते हैं दोस्तों। जहां पर भी ये एवरेज वर्ड आपको नजर आए, ध्यान रखेंगे एवरेज वर्ड, इसका मतलब होता है पर यूनिट। पर यूनिट टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज टोटल कॉस्ट। डेफिनेशन हमारी बन गई सेकंडों में, पर यूनिट टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज टोटल कॉस्ट। पर यूनिट का मतलब एक एक यूनिट को बनाने की टोटल कॉस्ट को, एक एक यूनिट को बनाने की टोटल कॉस्ट को हम लोग एवरेज टोटल कॉस्ट कहेंगे। इतना आप ध्यान रखे चलेंगे। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ATC का फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ATC इक्वल्स टू TC अपॉन N। कुछ लोग N लिखते हैं, कुछ लोग Q लिखते हैं। N का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स और Q का मतलब है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लीजिएगा, एक ही बात है। तो आप N लिखना चाहे N लिख सकते हैं और आप Q लिखना चाहे Q भी लिख सकते हैं। मैंने N लिखा है भाई, मेरा नाम N से शुरू होता, मैंने N लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए बनाते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट का शेड्यूल, उसके बाद इसका कर्व बनाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, ATC बनाने के लिए मुझे TC चाहिए और TC तो दोस्तों बिना TFC और TBC की मदद से बन नहीं सकती बिल्कुल भी। तो इसका मतलब काम थोड़ा सा लंबा है, अर्थात पहले मुझे TFC लिखना पड़ेगा, फिर मुझे TBC लिखना पड़ेगा, फिर मुझे इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा TC के रूप में, और उसके बाद मेरे आएगी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो दोस्तों करते हैं, थोड़ा सा लंबा काम है लेकिन करेंगे जरूर, देखते हैं। चलिए इसी बहाने आपके TFC, TVC और TC वाले कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। यूनिट्स हैं दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है 5 तक ले लेते हैं। TFC एज्यूम करते हैं 20 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज एंड 20 रुपीज। TVC आप लोग जानते हैं दोस्तों, TVC पहले बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट पे और फिर बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे। तो बढ़ाते हैं TVC को, मान के चलते हैं 0 पे 0 होता है, फिर 5 का गैप, फिर 4 का गैप 9 आएगा, अगला गैप 3 का ले लेते हैं 12 आएगा, अगला गैप 5 का ले लेते हैं 17 आएगा, अगला गैप लेते हैं 17 का 24 आ जाएगा। ये मैंने बना ली TVC। तो इन दो को प्लस करके TC आएगी 20 + 0 = 20, 20 + 5 = 25, 20 + 9 = 29, 32, 37 एंड 44। ये हमारी TC आ चुकी है। ATC निकालना है हमें। ATC का फॉर्मूला दोस्तों TC अपॉन N, ये हमारा TC है, ये हमारी यूनिट्स है जो कि N है, ठीक है। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, TC इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स, लेट अस डिवाइड 20 अपॉन 0, पता नहीं भाई मैं तो नहीं निकाल सकता, 25 अपॉन 1, यस ये तो मुझे आता है 25 अपॉन 1, 25, 29 अपॉन 2, 14.5, 32 अपॉन 3, 32 अपॉन 3 क्या होगा, यस 10.67, 37 अपॉन 4, निकालते हैं 9.25, 44 अपॉन 5, 8.8। तो दोस्तों ये आ गई हमारे सामने ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्लॉट करना चाहें प्लॉट कर सकते हैं, मैं इसका कर्व आपको दिखाऊंगा अभी। इसके अलावा दोस्तों ATC निकालने का एक और तरीका है, ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसे 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 TC इक्वल्स टू
टी एफ सी प्लस टी बी सी होता है, ठीक है। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं एन से डिवाइड कर देता हूँ, एन का मतलब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करता हूँ, तो टी सी अपॉन एन इक्वल टू टी एफ सी अपॉन एन प्लस टी बी सी अपॉन एन, ठीक है। टी सी अपॉन एन हमारा होता है दोस्तों ए टी सी, टी एफ सी अपॉन एन होता है दोस्तों ए एफ सी, और टी बी सी अपॉन एन होता है हमारा ए बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब है एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अगर मैं चाहूं तो मैं ए एफ सी और ए बी सी को ऐड भी कर सकता हूं, तो देयर इज नो नीड ऑफ वरी, ऐड करके निकाल लो, डिवाइड करके निकालना डिवाइड करके निकाल लो, प्रोसेस थोड़ी लंबी ही जाएगी, बिना टी एफ सी और टी बी सी की हेल्प से आप नहीं निकाल सकते। तो पहले टी सी पर आओ, या आप टी एफ सी से ए एफ सी पर आओ, टी बी सी से ए बी सी पर आओ, फिर ऐड करो, मर्जी आपकी है, प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी ही होगी, कुछ नहीं कर सकते, लेंदी प्रोसेस है थोड़ी। चलिए अब बनाते हैं ए टी सी का कर्व कैसा होता है। तो दोस्तों ए टी सी का कर्व अगर आप प्लॉट करते हैं, नीचे हमारी यूनिट्स आएगी, ठीक है, यहां पर आएगा ए टी सी। ए टी सी की दोस्तों खासियत है, ए टी सी गिर रही है, इसके बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। नहीं है विश्वास, क्या आपको मेरे पर विश्वास नहीं है कि इसके बाद एटीसी बढ़ेगी? मैं प्रूफ करके दिखाऊं आपको कि एटीसी बढ़ती हुई नजर आएगी, दैट इज फॉर श्योर, एटीसी अगले पॉइंट पे बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी। चेक करते हैं, चलो बनाते हैं। अगर 6 यूनिट पे मुझे आना पड़ जाता है तो मेरा टी एफ सी तो 20 रहेगा, आखिरी पिछला गैप 207 का, अगला गैप 9 का 10 का ले लेते हैं हम, 34 ले लेते हैं, ठीक है। 20 प्लस 34 हो गया दोस्तों 54, 54 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा दोस्तों 9, बिल्कुल सही 9। गिरी, बढ़ गई, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ATC की शेप दोस्तों अगर मैं बनाता हूँ तो ATC गिरती है, उसके बाद बढ़ी जाती है और आगे बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए ATC की शेप भी दोस्तों यू शेप ही होती है। तो ATC शेप दोस्तों हमेशा यू शेप रहेगी। क्वेश्चन आ सकता है ATC यू शेप क्यों होता है, तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ATC पहले गिरता है, मिनिमम को टच करता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले गिरेगा, मिनिमम को टच करेगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए एटीसी की शेप भी यू शेप रहेगी। आई रिपीट, यू शेप रहने वाली है, ध्यान रख के चलेंगे आप लोग।